जिस स्थान पर दीदार कर रहे हो, इस स्थान का नाम गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुढ़ा साहब है और इस स्थान पर बाबा बुढ़ा साहब जी ने लंबा समा जरा सेवा निभाई और साहब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी के महल सन्मानयोग माता गंगा जी तकरीबन अज तो 427 साल पहला जरा इस स्थान पर मिस्से प्रशादे लस्सी गंढे आदि लैके आए और बाबा बुढ़ा साहब जी ने अरदास की। अरदास सुनी दतार प्राप्त होए कृपाल। ये आप जी दसना जरूरी बनता है कि सन 1594 के माता गंगा जी आए सी और 1595 गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश होया। सो जिस दिन माता जी अरदास करवा के गए सी उस दिन की इतिहासक महत्ता मुख रखदा, हर साल की तरह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समूह सभा सोसायटियां और संगतां दे सहयोग नाल सालाना जोड़ मेला बड़े प्यार उत्साह सहित मनाया जाता है। पहला सालाना जोड़ मेला 21/22 मनाया जाता सी, परंतु कुछ सालों तो 21/22 है और 20/22 वाले दिन जड़ा वो नगर कीर्तन की रंभता हुंदी है। अज भी नगर कीर्तन जड़े वो सजाए जाने ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की छत्रछाया हेठ पंज प्यारे साहिबान की अगवाई दे विच नगर कीर्तन इतों रवाना हो रहा है, जो इतों वक् वक् पड़ावों तो हुंदा है। माता भागो जी और बीबी बिरो जी के स्थान पर जाएगा और उत्थे नतमस्तक होने तो बाद मुड़ निक्की झबाल के रस्ते जड़ा है वो जी संपन्नता नगर कीर्तन की जी बाबा बुढ़ा साहब विखे होगी और इस स्थान के मैनेजर सरदार सतनाम सिंह जी रियाड़ और उन्होंने वालों और समुचा गुरद्वारा साहब जी के जिमें असी मेला इंचार्ज कह लिए सरदार साढ़े सकत्र सरदार सुलखण सिंह जी पंघाली तथा जिन्ना भी समूह स्टाफ है श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान सारिया के वालों इस वक्त हाजरियां लवाइया जा रही ने गुरु चरणों में सरबत संगतान लिए अरदास करके हूँ नगर कीर्तन की जी है वो रंभता होने लगी है जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी का अज पावन ते पवित्र दिहाड़ा जिहड़ा 3 दिन 5, 6 ते 7 नूं अज पहले दिन नगर कीर्तन जिहड़ा आरंभ होया बीड़ बाबा बुढ़ा साहब जी के स्थान तो और ये नगर कीर्तन माता भागो जी की बीबी वीरो जी के स्थानों तो हुंदा होया चुपाल दे विच ते शाम नूं इत्थे संपन्न होगा और मैं सारे जगत नूं इस गल की वधाई दिंदा। परमात्मा की रहमत होई माता गंगा जी इत्थे आ के ते 6वें पातशाह जी श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह का प्रकाश होया और परमात्मा की इस स्थान के उत्ते इन्नी रहमत आ कि दूरों दूरों संगतां इत्थे पुत्तां की दात लैण आउंदे ने और इत्थे नमस्तक हुंदे ने और ये तकरीबन 1 महीने तो लगातार संगतां मालवे तो और समुचे जगत तो इत्थे पैदल अपने नंगे पैरी आ के दे इत्थे पुत्तां दी दात मंगदे ने। मैं सारे जगत नूं ते सारे संगत नूं बेनती करदा कि परमात्मा रहमत करे अज गुरु दे चरणां दे विच सारे नमस्तक होईए ते गुरु दियां खुशियां प्राप्त करिए। देखो सारे प्रबंध संगतां वास्ते कीते गए आ। पहला तो मैं संसार दियां संगतां नूं धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी दे सलाना जोड़ मेले दियां लख लख वधाइयां देना और संगतां दे रहन वास्ते सरावां लंगरां दा प्रबंध टेंटां दा प्रबंध शमियानियां दा प्रबंध दीवान हालां दा प्रबंध असीं संगत दे चौकीदार हां। चौकीदारां दा काम आ संगत दे चरणां दी जिहड़ी है धूड़ प्राप्त करनी और उन्हां दा प्रबंध करना जी संगत दा। सो इत्थे लखां दी गिनती विच अज भलके ते परसों 5, 6 ते 7 नूं संगत जिहड़ी है वह लखां की गिनती में नतमस्तक होनी है और उन्होंने संगतों के इतने सारे जी आए आखांगे उन्होंने लंगरों का प्रबंध करांगे उन्होंने रहन का प्रबंध करांगे और उन्होंने सेवा वास्ते हमेशा तत्पर रहांगे।